बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक। नमस्कार, मेवात आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। उनके साथ पत्नी मधुलिका के अलावा सेना के 13 जवान और अधिक अधिकारी सवार थे। हादसे में मरने वालों में ब्रिगेडियर एलएस लिदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह नायक गुरसेवक सिंह नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसे क्रैश से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसे नालगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चौपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ सेकंड का है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ही चौपर पेड़ों से जा टकराया। इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में रावत के हेलीकॉप्टर का बुधवार दोपहर 12:08 पर एटीसी संपर्क टूट गया था। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर हेलीकॉप्टर में आग लगी देखी। टीमें भी पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कुछ चश्मदीद भी सामने आए थे, जिनके मुताबिक हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई। एक और चश्मदीद का कहना था कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा है। घटना के एक चश्मदीद कृष्णा स्वामी ने बताया था, मैं अपने घर में था तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यह एक के बाद एक दो पेड़ों से टकराया, इसके बाद उसमें आग लग गई। मैंने 2 या 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकलते भी देखा, इनके शरीर में आग लगी हुई थी। मैंने उस इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाया और मदद की कोशिश की। इसके बाद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी गई। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। रावत, मधुलिका और अन्य सभी मृतकों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं। यहां से रावत और मधुलिका की पार्थिव देह दिल्ली लाई जाएगी। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आज बयान दिया। उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि हादसे में बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वे लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके दिल्ली स्थित घर पहुंच जाएगी। शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लोग रावत के दिल्ली स्थित घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कामराज मार्ग से बराज चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कंटेनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। राजनाथ सिंह ने संसद में 11:05 पर संसद में बयान दिया। 4 मिनट के बयान में उन्होंने हादसे में मारे गए सभी लोगों के बारे में जानकारी दी और रावत के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा, हेलीकॉप्टर का संपर्क दोपहर 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था, इसके बाद वह क्रैश हो गया। स्थानीय लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई। हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां वे लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनकी जान बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।